हाय, दिस इज मी पूनम शर्मा। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको टॉयलेट का लेआउट प्लान कि आप टॉयलेट के अंदर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हो विद साइज। तो फिलहाल जो हमने एक साइज रखा हुआ है टॉयलेट का, वो है 6.5 बाय 9 फिट का हमने रखा हुआ है। एंड जैसे एक बॉक्स बनाया हुआ है, अब इसके अंदर हम वॉल के थ्रू प्लेसमेंट करनी शुरू करेंगे। तो फर्स्ट मैंने एक वॉल क्रिएट कर ली है चारों तरफ से, जिसकी विड्थ है 4.5 इंच। एंड मैंने एक लेआउट क्रिएट कर लिया और वापस मैं इसके अंदर डोर की पोजीशन मार्क कर रही हूँ, प्लस मैं एक विंडो मार्क कर रही हूँ। क्योंकि जब तक एक रूम के अंदर आपका डोर और विंडो नहीं होगा तो आप प्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट हमने एक तरीके से बना लिया, ये साइज निकाल लिया अपना। अब हमारे को तीन चीज़ें इसके अंदर डालनी है जो क्लाइंट की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, वो है शावर एरिया प्लस वॉश बेसिन प्लस WC। ये तीन चीज़ें जो है हमारे को दिखानी होती है, कंपलसरी नहीं। तो फर्स्ट हमने दिखाया है यहाँ पे, ये हमारा शार एरिया है यहाँ से यहाँ तक, जिसकी हमने वाइड ली हुई है 3.5 फिट, सॉरी 3 फिट 6 इंच ली हुई है हमने यहाँ पे, 3 फिट 6 इंच हमने ये लिया हुआ है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक सिंक डाला हुआ है, सिंक नहीं वॉश बेसिन है। सिंक तो किचन में होता है हमारा, ये वॉश बेसिन है। प्लस ये हमने एक WC बनाई हुई है, ठीक है, जिसके अंदर अभी आप देखेंगे अगर ये 3 फिट 6 इंच है, अगर ये 3 फिट 6 इंच है, तो ये हमारे पास जो भी एरिया है ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट हम डिसाइड कर लेते हैं। एक WC के लिए जो साइज चाहिए होता है वो हम 3 फिट 0 इंच देते हैं। अगर ये 3.5 है प्लस 3 ये है, तो आपके पास 6.5 हो गए, है ना। जो भी आपके पास साइज आता है यहाँ से यहाँ तक, आप उसको काउंटर बना देते हो, ठीक है। तो काउंटर का साइज अगर 3.5 फिट आता है आपके पास, तो 3.5 ले लो। 3.5 जो है आपका स्टैंडर्ड साइज है, 3.5 फिट जो है काउंटर के लिए आपका स्टैंडर्ड साइज है, और इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसकी जो विड्थ है वो आपको 2 फिट का ही रखना होता है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये हमारा एक डमी वॉल है जिसके ऊपर हमने जो WC डाला हुआ है वो वॉल माउंटेड WC डाला हुआ है। इसकी जो जो वाइड ली हुई है हमने वो 4.5 ली हुई है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वॉल से ये 4.5 इंच एक्स्ट्रा निकली हुई, जिसको हम डमी वॉल क्रिएट करते हैं। एंड ये आपका डोर है, यहाँ पे हमने एक टक दिखाया हुआ है, 4.5 इंच का टक दिखाया हुआ है, प्लस यहाँ पे 2 फिट 6 इंच का एक डोर दिखाया हुआ है। बाकी का जो एरिया है वो हमने खाली रखा हुआ है। तो सी, अब इतने छोटे से टॉयलेट साइज के अंदर हमने इतना अच्छा अपने जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमने प्लेस कर दिया है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा हम इसमें और कुछ डाल नहीं सकते, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हो गया हमारा। कहीं से भी कोई भी एरिया टाइट नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ से यहाँ देखते हैं, अगर ये 6 फिट 6 इंच है, ये यहाँ से यहाँ तक 6 फिट 6 इंच है, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि काउंटर का जो वाइड है वो 2 फिट है, तो आप यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि 4.5 फुट आपका एरिया मिलता है। यहाँ से यहाँ तक 4.5 फुट का एरिया मिलता है। वापस अगर मैं यहाँ से यहाँ देखती हूँ, तो अगर मेरे WC का भी साइज अगर 2 फिट का है, प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है अगर ये भी 2 फिट है, प्लस हमने ये 4.5 इंच एक दीवार भी डमी वॉल क्रिएट किया हुआ है, तो यानी कि 2 फिट 4 इंच ये जाता है हमारा। उसके बाद जो जगह बच जाती है हमारी वो 4 फुट 1.5 इंच जगह मिलती है, यानी कि 4 फुट मिल ही जाता हमारे को एंड टू एंड। तो और जो हमारे पास
जो स्टैंडर्ड वॉकिंग स्पेस होता है वो 3.5 फीट का होता है, 2.5 से 3 फीट का होता है। बट अभी जो हमने लेआउट किया हुआ है उसके अंदर हम स्टैंडर्ड से भी एक्स्ट्रा जा रहे हैं, मीन्स कि अगर स्टैंडर्ड से एक्स्ट्रा जा रहे हैं मीन्स कि हमारा लेआउट जो बहुत अच्छा से कम्प्लीट हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये प्लेसमेंट करनी है। एंड यस, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपको वर्किंग दिखानी है, मान लो आपको वर्किंग ड्राइंग इश्यू करनी है सपोज साइट के ऊपर, तो आपको एंड टू एंड जो भी आपके डायमेंशन आपने ली हुई है, लाइक जैसे यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन आपका जो आ रहा है वो डायमेंशन लेनी है, प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन आता है सपोज मान लीजिए 3.5 फीट आ रहा है, 3.5 फीट दिखाना है, प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो भी साइज आता है आपको साइज दिखाना। अगेन आप ब्रिक वॉल का भी अगर वर्किंग दिखाना चाहते हैं, आप जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि 4.5 इंच का आपने एक तक दिखाया हुआ है, उसके बाद आपने डोर का साइज दिखाया हुआ है, उसके बाद जो भी आपका ये जगह बस्ता आपने वॉल बनाया हुआ है, इस वॉल के ऊपर आप कुछ भी हैंग कर सकते हो, लाइक डिस्प्ले बना सकते हो, आप निश बना सकते हो, हैंगर यूज कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको डालना है इस वॉल के ऊपर डाल सकते हो इजीली, है ना। तो इस वॉल के ऊपर कुछ ना दे, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 फुट एरिया है, और इस वॉल के ऊपर अगर आप कुछ अलमारी वगैरह कुछ भी बनाना चाहते हैं तो वो एरिया जो है आपका बहुत टाइट हो जाएगा, इसलिए हमने इसको खाली छोड़ा हुआ है। और इस वॉल के ऊपर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ हैंगर यूज करना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक इतने बड़े एरिया में इतना प्लेसमेंट बहुत है। और इस जो हमारे जो स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं जो मार्केट में भी फर्नीचर हमारे मिलते हैं हमारे को, उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट पोजीशन है, इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो।